हेलो फ्रेंड्स, आप सबका द गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दिस साइड इज़ विनोद एंड आज हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के मेरठ में स्थित है। यहां पर फार सेशन 2022-23 के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1979 हैं और टोटल सब्जेक्ट्स 32 हैं। साथियों, ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1979, यह पीएचडी की दृष्टि से बहुत अच्छी खासी संख्या कही जा सकती है। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म जरूर अप्लाई करें, आपको सिलेक्शन का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है साथियों, सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आपके पास नेट JRF है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जैसा कहा गया है कि 60% अब सीट्स जो रिसर्च की होंगी वो नेट JRF के थ्रू ली जाएंगी, और जो 40% सीट्स होंगी यानी 40% वो इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ली जाएंगी। तो वो जो रूल है SCCS इस बार बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 60% डायरेक्टली नेट JRF के थ्रू ली जाएंगी और 40% सीट्स इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल की जाएंगी। चलिए साथियों, कुछ ज़रूरी बात अब हम जान लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। साथियों, यह एक वेस्टर्न यूपी की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है। यह NCR में आता है, यानी कि जो मेरठ है जहाँ पर यह यूनिवर्सिटी स्थित है, यह NCR में आता है। NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली के पास में जो रीजन है ये, उनको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। यह दिल्ली से साथियों केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है, ओनली 60 किलोमीटर। तो आप दिल्ली में भी रहकर यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं अगर चाहें तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रैपिड मेट्रो जो बन रहा है उसके थ्रू आप केवल 30 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास में ही जो उसका स्टॉपेज है रैपिड मेट्रो का, तो वहाँ आप बिल्कुल केवल 30 मिनट में पहुंच जाएंगे दिल्ली से वहाँ पर। यह यूनिवर्सिटी साथियों 1965 में जब इस्टेब्लिश की गई थी तो इसका नाम था मेरठ यूनिवर्सिटी, जो कि 1991 में चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पर इसका नाम रीमेन कर दिया गया। तो 1991 में इनका नाम बदल करके CCS यूनिवर्सिटी रख दिया गया। साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इतनी जो नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वह केवल कैंपस में नहीं है, इसके बहुत सारे कॉलेजेज हैं उनमें भी सीट्स हैं, यानी अधिकतर जो सीट्स हैं कॉलेजेस में ही हैं। तो आपको जो सुपरवाइजर अलाट होंगे वो कैंपस के भी हो सकते हैं और कॉलेजेस के भी हो सकते हैं। तो ये हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके सुपरवाइजर अलाट हो सकते हैं, यानी कि CCS के जो कॉलेजेस हैं वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। साथियों, यह जो CCS के जो कॉलेजेस थे, CCS पहले यूपी का जो वेस्टर्न यूपी है उसके 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते थे। तो यह एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अभी एक साल पहले, खैर वो 2019 में ही एक्ट पास हुआ था लेकिन यूनिवर्सिटी अभी हो नहीं पाई थी, तो इसलिए इस साल से हम देख रहे हैं जस्ट 1 ईयर बिफोर सहारनपुर में एक माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के अंडर आ गए हैं। तो अभी CCS के पास केवल 5 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जिसमें कि मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो कि नोएडा है, और हापुड़। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में CCS के कॉलेजेज हैं। तो आपको इन 5ों में से कहीं भी सुपरवाइजर अलाट हो सकते हैं PhD में, अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में। तो ये सारी बातें हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपको सुपरवाइज़र कैसे अलाट होते हैं। इसका 2 तरीका होता है साथियों। यदि आप कैंपस के या किसी भी कॉलेज के किसी प्रोफेसर को, जो कि PhD करवाने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है, तब आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो रेडी हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर के कैंपस, जब अलाटमेंट होगा कैंपस में एडमिशन के बाद कि आप किसके अंडर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप नाम बता देंगे और वो सुपरवाइज़र, आप प्रोफेसर जो हैं वो रेडी हैं आपको करने के लिए, उनके पास सीट है, तो आपको वो अलाट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका कंफर्म नहीं है, आपने किसी भी प्रोफेसर से बातचीत नहीं की है, तो नंबर ऑफ जो इनटेक है यानी कि या जो वैकेंट सीट है, किस प्रोफेसर के अंडर कितनी सीट वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सुपरवाइज़र अलाट कर दिए जाएंगे। तो ये अलाटमेंट का भी आपको प्रोसेस याद रखना होगा। बेहतर ये होता है कि आप किसी प्रोफेसर से बात कर लीजिए, चाहे कैंपस के या जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके, तो आसानी होती है आपको भी और प्रोफेसर को भी करवाने में और आपको रिसर्च करने में। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को पर अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों, इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज सीट्स कितनी हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, हम डेट के भी बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है आपको फॉर्म फिलअप के टाइम, एलिजिबिलिटी कितनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस में जो नेट JRF के थ्रू होगा उसका क्या प्रोसीजर होगा, और जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जिसे सेट बोलते हैं CET, उसके थ्रू जो प्रोसेस होगा उसका क्या होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि आपको फ़ी कितनी लगेगी, अभी जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें कितनी फ़ी लगेगी, और जब आपका PhD में नाम आ जाएगा
तब आपको कितनी फ़ी लगती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, और लास्ट में हम बात करेंगे आपको कि फॉर्म कैसे फिल करना है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर साथियों, ये जो है ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो CCS कैंपस है जो कि मेरठ में ही स्थित है, वहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, और या एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, जो कि यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एफिलिएटेड कॉलेज हैं CCS के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है और इधर नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे 120 सीट्स कॉलेजेज में हैं, 6 सीट कैंपस में है, वैसे हिस्ट्री में इतनी सीट्स हैं, और हिंदी में आप देख रहे हैं कि कैंपस में कोई सीट नहीं है, कॉलेजेज में 50 सीट्स है। ऐसे ही साथियों, आप जिस सब्जेक्ट के हैं आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। संस्कृत में 23 सीट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। साइकोलॉजी में 53 सीट्स हैं, कॉमर्स में 100 सीट हैं, एजुकेशन में 85 हैं, और केमिस्ट्री में यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में कैंपस में 6 सीट है और एफिलिएटेड कॉलेजेज में 258 सीट है। बहुत अच्छी खासी संख्या में ये सीट हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आती हैं। फिजिक्स में आप देख रहे हैं कैंपस में 5 सीट है और एफिलिएटेड कॉलेज में 200 सीट है, यह भी बहुत अच्छी खासी संख्या में ये सीट है, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। आगे हम देखते हैं, आप देख सकते हैं जूलॉजी में 150 सीट्स हैं और मैथमेटिक्स में 85 सीट हैं। ऐसे ही आप पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 सीट हैं कैंपस में और 94 सीट हैं एफिलिएटेड कॉलेजेज में। साथियों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। यह स्टडे से ही यानी कि 9 सितंबर 2022 से ही फॉर्म अप्लाई किया जाने लगा है, और उसी दिन 9 सितंबर को ही इसका नोटिफिकेशन भी आया है, और लास्ट डेट है जो वो 20 सितंबर है। इसका ध्यान रखेंगे आप, टाइम बहुत कम है, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें, तुरंत जाकर अप्लाई करें। आप सब कुछ अगर फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं साथियों। ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होना चाहिए, आप इन सब का ध्यान रखेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, वो चीज़ें बाद में मैनेज हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही। एक चीज़ यहाँ पर, जो वैलिड OBC सर्टिफिकेट की बात कर रहा है या फिर EWS सर्टिफिकेट की भी बात करता है, तो इसका मतलब ये है साथियों कि इसका मेनली जो OBC का होता है ये 3 ईयर्स का होता है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे विदिन थ्री ईयर का ही आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS सर्टिफिकेट जो होता है वो सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, सारे डिटेल आपको विधिवत फिलअप करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए, अब एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ये उधर का है, यूनिवर्सिटी का ये जो एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर कोई आपको अभी काम है नहीं, आपको ऑनलाइन क्योंकि सारी चीज़ें करनी है। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में बस ये बात की गई है कि जो भी चीज़ें होंगी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है न्यूज़पेपर को देखते रहें या टीवी में आएगा या कहीं और आएगा, नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। साथियों, PhD में अप्लाई करने के लिए आपको 55% मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। बस ये सिंपल सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो लोग OBC हैं या SC हैं या ST हैं, उन लोगों के लिए। और तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन है, तो वे लोग भी अगर केवल 50% मार्क्स है तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग MPhil डिग्री इनके पास है वे लोग तो अप्लाई करेंगे ही, या फॉरेन से भी अगर कहीं से वो लोग मास्टर डिग्री करके आए हैं या MPhil डिग्री करके आए हैं तो वे लोग भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो CCSU PhD ऑर्डिनेंस 2020 है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब बस ये साथियों कि अगर आपका जिस सब्जेक्ट में PhD करने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है तो बेस्ट है। अदरवाइज आप एलाइड सब्जेक्ट में भी या रिलेवेंट सब्जेक्ट में भी मास्टर किए हैं तब भी चलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस में किए हैं तो बेस्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किए हैं तब भी आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में किए हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। यहाँ पर प्रोसीजर जो होगा, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020, इसके अकॉर्डिंग PhD में जो एडमिशन होना है वह 60% नेट JRF के थ्रू होगा और 40% जो सीट्स होंगी वह इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भरी जाएंगी। तो इसमें यही बात की गई है कि जो UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, मतलब कि अगर आपका JRF नहीं है केवल नेट क्वालिफाई है तब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आपको रिटन टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात कही गई है, या आपका गेट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग MPhil डिग्री जिनके पास है वे लोग भी रिटन टेस्ट से एग्जम्प्टेड होंगे और डायरेक्टली वो लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे, उनको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। अब ये बात, इसी बात को यहाँ पर ये थर्ड जो बात है इसमें लिखा गया है कि 60:40 का वो कम्बिनेशन बनेगा। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या चीज़
पैटर्न क्या होगा उसका। यहाँ पर टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे और 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो इसका सिलेबस होगा साथियों, वह बिल्कुल पीजी लेवल का होगा, जो नेट लेवल का, ये मानकर चलिए कि जो नेट का जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का वही होगा, और जो आपका रिसर्च यानी आरएम का जो पेपर होगा उसका सिलेबस यहाँ पर दिया भी हुआ है, और वो सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल जो नेट का यूजीसी नेट का जो पेपर होता है फर्स्ट पेपर वही है सब कुछ लगभग। तो सेम बात हो गई कि बिल्कुल आपका यूजीसी नेट का जो पेपर है फर्स्ट एंड सेकंड वही बिल्कुल डिट्टो आएगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ कम हो जा रहे हैं, कि टोटल मिलाकर यूजीसी नेट में आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर केवल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का होगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो इसलिए निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे। और जो पेपर होगा वह कॉपी पेन पेंसिल का होगा, OMR पर ऑनलाइन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पेपर जो है वो मतलब ऑफलाइन ही होना है। और जो टाइम होगा आपका वह 2 आवर का समय दिया जाएगा, 2 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ़ी की। यहाँ पर साथियों जो फ़ी है अप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल के लिए 2500 रुपये है, OBC EWS और PWD के लिए 2000 रुपये, एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये है। यह अप्लीकेशन फ़ी है साथियों, रियली में ये जो अप्लीकेशन फ़ी है यह बहुत थोड़ी ज़्यादा है, इतना तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप करना चाहते हैं PhD, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होने के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नंबर आपसे ज़्यादा हैं, तो आप कहीं से अरेंज करके आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कैसे की जाएगी। साथियों मेरिट लिस्ट आपका रिटेन जो टेस्ट होगा उसके बेस पर और प्लस इंटरव्यू के बेस पर। अब इनका रेशियो क्या होगा ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन अमूमन जो UGC का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वह केवल 1:70:30 होता है। 70% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का जोड़ा जाता है और 30% मार्क्स इंटरव्यू का जोड़ा जाता है। लेकिन जो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में पहुँच रहे हैं, वे लोग केवल इंटरव्यू के मार्क्स पर सेलेक्ट किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। जिनके पास यानी कि नेट JRF या गेट है या MPhil है, उन लोगों का टोटल जो होगा वो 100% इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है RM का, सब्जेक्ट का तो आपको पता ही है बिल्कुल नेट वाला ही सिलेबस रहेगा, और RM का भी जो है वह भी बिल्कुल नेट वाला ही सिलेबस है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है। जो इसका सिलेबस है फर्स्ट पेपर के लिए, जिसके कि 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लेंगे। इसके लिए साथियों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है Pearson पब्लिकेशन के द्वारा जो एक बुक है जो कि AVS मदान द्वारा लिखित गई है, उस पुस्तक को आप फॉलो करें, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। चलिए साथियों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पर फ़ी है। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब आपकी फ़ी कितनी लगती है। साथियों यूपी की जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो फ़ी का स्ट्रक्चर है, वह जो कोर्स वर्क की फ़ी हम कहते हैं, वह लगभग 25,000 है। एक बार 25,000 आपको एडमिशन के टाइम पेमेंट करना होता है। अगर आप MPhil किए हैं, अगर आपका कोर्स वर्क नहीं है, तो फिर ये 25,000 रुपये भी आपको नहीं लगते हैं, केवल एडमिशन चार्जेज लगते हैं। ये 25,000 रुपये आपके कोर्स वर्क की फ़ी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बहुत नॉमिनल फ़ी लगती है, यानी कि आपका कुल मिलाकर के 30-35,000 में आपका पूरा PhD हो जाएगा, 5 साल में या 3 साल में भी आप कर सकते हैं। तो फ़ी बहुत नॉमिनल होती है, और नेट JRF है, अगर आपके पास JRF है तो आपको पूरे पैसे तो मिलते ही हैं। और अगर आपके पास केवल नेट है तो ये एक बात अच्छी है साथियों की, जो CCS यूनिवर्सिटी है, यह केवल नेट होने पर भी अगर आपका JRF नहीं है तो 3,000 रुपये पर मंथ अपने रिसर्च स्कॉलर को एज अ स्कॉलरशिप देती है अपनी ओर से, जो कि अदर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में यह नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ की ये पैसा मिलता हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 8,000 रुपये पर मंथ मिलता है जिनका JRF नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 3,000 रुपये पर मंथ उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनका केवल नेट है, JRF नहीं है। जिनका नेट भी नहीं है क्वालिफाई, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका नेट है उनको 3,000 रुपये मिलेगा। जिनका JRF है उनको तो पूरा JRF मिलेगा UGC की ओर से, या जिसका भी JRF उनके पास SIR का है तो SIR की ओर से, तो वो बात ठीक है। चलिए साथियों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए, तो आप यहाँ फॉर्म जरूर अप्लाई करें। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपको सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आपको सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू में आप जाएंगे, बहुत जल्दी ही सारे रिजल्ट भी आ जाएंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं कि केवल 20 सितंबर ही लास्ट डेट है, तो उससे पहले अप्लाई करेंगे तुरंत फिर एग्जाम होगा, तो उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। तो हम रिसर्च प्रपोजल पर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू बी अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट आर हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द UGC नेट JRF एंड डायरेक्टली गोइंग टू अपियर इन इंटरव्यू। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम दिस चैनल। ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।